हेलो स्टूडेंट ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ा अच्छा चैप्टर है, यहां से पेपर में आता है और बच्चे छोड़ छाड़ के अपना आ जाते हैं। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आजकल यहां से पेपर में बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं और आपको बिना कुछ मेहनत करे ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इन छोटी छोटी चीजों का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको समझना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है। देखिए, एक होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग पढ़ेंगे अभी इसके बाद में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है जो एनालॉग सिग्नल से काम करता है, यानी कि हम कहेंगे कि जो सिग्नल समय के साथ में कंटिन्यूअस सिग्नल है, जैसे कि साइनसोइडल नहीं है, हम लोग कहेंगे कि समय के साथ में ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। जैसे ही हम डिजिटल की बात करेंगे तो डिजिटल में हम जानते हैं कि देखिए ये हमें ये जो काम करेगा, जैसे हमने ये समय, तो जो भी हम जिस टाइम पर चाहते हैं ये हमें इसी टाइम पर, ये लगातार नहीं है समय के साथ में, जिस टाइम पर भी हम चाहते हैं ये इसी टाइम हम लोगों को आउटपुट देखिए देता है या कार्य करता है। तो डिजिटल में दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है मेरे बच्चों, दो चीजें होती है, एक होती है देखिए जीरो और एक होती है देखिए वन। एक होती है जीरो, एक होता है वन। तो जीरो का मतलब या तो आप जीरो वोल्ट मान के चलेंगे या माइनस के पांच वोल्ट लेकर चलेंगे, और वन का मतलब होता है पांच वोल्ट 7 वोल्ट जितने की भी सर्किट या आईसी आप लोग डिजाइन करते हो। तो इसका मतलब होता है देखिए 5 या 7, इसका मतलब होता है विद्यार्थियों लो सिग्नल, इसका मतलब है देखिए लो सिग्नल, और मेरे बच्चों इसका मतलब होता है हाई सिग्नल से। ओके, इसका मतलब हो जाता है देखिए हाई सिग्नल से। तो यहां पर आप लोगों को मात्र ये चीज देखना है कि जब हम बात करेंगे लो मतलब ओके जीरो, जब हम बात करेंगे हाई इसका मतलब होगा कि हमने कोई पॉजिटिव पल्स अप्लाई किया है, हमने कोई पॉजिटिव पल्स अप्लाई किया है। ओके, तो देखिए ये हमारा होता है डिजिटल सिस्टम का एक समझने वाली चीज। जैसे कि मैं ये कहूंगा कि यहां पर ये वैल्यू दिखाया जीरो, फिर इस सिग्नल को हम ऊपर लेकर गए तो ये हो गया वन, फिर इसे हम नीचे ले आए तो ये क्या हो गया देखिए फिर से जीरो। तो हाई वैल्यू को अचीव करना देखिए वन से है। तो जब भी आप देखते हैं तो किसी भी सिग्नल में बेटा आपको देखिए ये हम जीरो और ये देखिए वन, यानी कि ये लो सिग्नल और ये यहां पर हाई। तो ये हमारा एक बेसिक आधार होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, समझ में आया, ये हमारा एक बेसिक आधार होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहां आपको ये समझना है कि हमारे पास में इस डिजिटल में तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं, थ्री बेसिक ऑपरेशन हमारे पास में होते हैं। अब देखिए जी वो तीन बेसिक ऑपरेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपको। तो ये तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो तीन बेसिक ऑपरेशन में एक होता है नॉट ऑपरेशन, एक होता है नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन में हम लोग कहेंगे देखिए नॉट ऑपरेशन, तो नॉट ऑपरेशन का मतलब है कि यदि आपने यहां से कोई सिग्नल ए दिया है तो ये इसका बार दे देगा, यानी ए बार देगा। अगर यहां पर आपने ये ए बार दिया है तो ये उसको ए में बदल देगा, यानी कि रिवर्स करना, यानी कुल मिला के अगर आपने जीरो दिया है तो ये आपको वन मिल जाएगा, अगर आपने ये वन दिया है
तो ये आपको जीरो मिल जाएगा। तो ये होता है यहां पर नॉट ऑपरेशन। तो आपसे बहुत बार ये पूछा जा सकता है कि बताइए डिजिटल में कितने बेसिक ऑपरेशन है, तो आप कहेंगे तीन बेसिक ऑपरेशन है। एक होता है हमारा नॉट ऑपरेशन। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप मेरे ही साथ में समझ जाएंगे, इनमें बाद में कोई रिवाइज में मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। चलिए जी, एक होता है नॉट ऑपरेशन, फिर दूसरा होता है एंड ऑपरेशन, एक दूसरा होता है देखिए एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। चलिए जी देखते हैं एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो एंड ऑपरेशन को हम देखिए कुछ ऐसे समझते हैं, ए ए ए बार ए वन ए जीरो। तो देखिए जब भी ए एंड ए, ये डॉट का मतलब एंड है, तो जब भी दो के बीच में हम एंड करेंगे, तो जब भी सेम दो के बीच में एंड ऑपरेशन होगा तो इसका मतलब हम एक बार ए लिखेंगे। ये कुछ भी आ सकता है आपके पास में भाई पेपर में, जब पेपर आसान बनेगा तो यही चीजें आती है। ए डॉट ए बार का मतलब देखिए होगा जीरो, ए डॉट वन का मतलब होगा ए, और ए डॉट जीरो का मतलब फिर से होगा जीरो। ये हमारे पास में होता है एंड ऑपरेशन, ये हमारे पास में हो जाता है एंड ऑपरेशन। चलिए विद्यार्थियों थर्ड में चलते हैं, और ऑपरेशन थर्ड में जानते हैं और ऑपरेशन। चलिए जी थर्ड में जानते हैं और ऑपरेशन। तो देखिए और ऑपरेशन हमने कहा, एक तो ये ए प्लस ए बार ए प्लस वन ए प्लस जीरो। तो देखिए हम और ऑपरेशन को कैसे करते हैं, ए प्लस ए जब भी आएगा तो हम इसको लिखेंगे एक बार ए, ए प्लस ए बार जब भी मिलेगा हम इसको लिखेंगे वन, ए प्लस वन जब भी आ गया हम लिखेंगे वन। कुछ बच्चे यहां ए लिख के आते हैं वो गलती करते हैं, ए प्लस जीरो का मतलब यहां आएगा ए। तो ये हमारा होता है नॉट ऑपरेशन, ये हमारा होता है एंड ऑपरेशन, और ये हमारा होता है विद्यार्थियों और ऑपरेशन। तो हम यहां पर सिर्फ ये तीन ऑपरेशन जानते हैं, और ये तीनों ऑपरेशन बहुत ही खासम खास होते हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए पेपर में आपसे, अब मैं साथ के साथ ही ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा डिजिटल में, क्योंकि कुछ बच्चे इसको पहले पढ़ते भी नहीं तो उनको मुश्किल लग जाती है ये चीजें। तो देखिए सवाल किस तरह का बनेगा, आप कहेंगे कि डिजिटल में कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं, डिजिटल में डिजिटल लिखेगा, या देखिए कई बार बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम इस्तेमाल करता है बुलन एलजेब्रा में कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं, कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं, कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो ये बेटा पेपर में आ चुका, उत्तराखंड में ये पेपर में आ चुका, कितने बेसिक ऑपरेशन, ऑप्शन ए कहेगा दो, ऑप्शन बी कहेगा तीन, ऑप्शन सी कहेगा चार, ऑप्शन डी कहेगा जीरो। तो हम कहेंगे कि यहां पर उसने नंबर पूछा है तो हम कितना आंसर दे रहे हैं, देखिए तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं। फिर देखिए दूसरा सवाल पूछेगा कि बुलन एलजेब्रा, ये एक तरीका होता है देखिए ना बुलन एलजेब्रा, जब भी हम किसी भी चीज को सॉल्यूशन करते हैं हल करते हैं, ओके। तो बुलन एलजेब्रा में तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, ऑप्शन ए कहेगा एंड, ऑप्शन बी कहेगा और, ऑप्शन सी कहेगा नॉट, ऑप्शन डी कहेगा ऑल ऑफ दीज। तो हम समझ जाएंगे कि एंड और नॉट ये तीन बेसिक ऑपरेशन हैं, तो ये हमारे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके जी, उम्मीद कर रहा हूं आपको याद आएंगी चीजें, इतना मुश्किल नहीं है डिजिटल।
पहली बार अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो तो मानता हूं थोड़ा सा समझने में देर हो सकती है, एक बार के बजाय दो बार देखना पड़ सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, पॉसिबल है समझना करना। चलिए जी, तो ये तीन बेसिक ऑपरेशन की जो कहानी होती है ये हमने खत्म कर लिया है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट जानते हैं। मैं आपको एक दो और थ्योरम बताना चाहूंगा जो आपको पेपर में मदद कर सकता है। देखिए मैंने पहले से ये ट्राई किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बताकर चलूं, ताकि अगर पेपर मुश्किल भी आता है तो भी आप पार कर जाएं। तो मैं एक दो और कुछ बताकर चलूंगा आपको। एक नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। एक नियम आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या नियम। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि हमने ए बी और सी ये दिया है, तो यहां कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करता कि ए प्लस ए सी, हमें ये हल करना है, पहले इसको देखिए। अगर मैं कहता कि आपको इसे हल करना है तो हम इसे हल कर सकते थे, हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे करते हल? हम इसमें कहते कि देखिए गुरुजी एक काम करिएगा, ए को कॉमन ले लीजिए तो 1 + c। अब आपने कहेंगे कि देखिए सर, हमने अभी बेसिक ऑपरेशन में और ऑपरेशन पढ़ा है कि जब भी कहीं किसी नंबर के साथ में 1 आए तो इसका मान 1 ही होता है। तो ये क्या मिला हमें? 1, और a इंटू 1 का मतलब a। तो आप लिख सकते थे a प्लस ए सी का मतलब होगा a। तो यहां तो ये कॉमन आ रहा था, लेकिन मेरे बच्चों यहां पर ये कॉमन नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ कॉमन नहीं है, तो यहां पर नियम लगाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप ये नंबर कर लें 1, 2 और 3, तो आप बराबर में लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर में। आपको सिखाने के लिए 1 + 2 करिए और 1 + 3 करिए, यानी कहने का मतलब है a प्लस बी यहां करिए और a प्लस सी आप यहां पर करिए, a प्लस सी यहां पर करिएगा। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। ये होता है विद्यार्थियों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब कोई कॉमन नहीं आता है। चलिए जी कुछ और छोटे छोटे देखिए सवाल लेना चाहूंगा मैं, कुछ और छोटे छोटे सवाल मैं लेना चाहूंगा। देखिए किस प्रकार के सवाल। हमने कहा ए प्लस ए बार और बी, राइट? हमने कहा ये इसको सॉल्व करिएगा, ये सवाल है, इसको हल करें। तो मैंने इसमें लिख दिया, ये दिया है हल कीजिए, हल कीजिए यानी कि सॉल्व करिए। हमने देखा कि यार गुरुजी ने तो ये कहा है कि कॉमन ले, लेकिन ये कॉमन नहीं आता। तो तुरंत अपने दिमाग में एक पिक्चर चलाइए कि गुरुजी ने तो ये कहा है कि अगर कॉमन नहीं आता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लीजिएगा। तो बेटा हमने यहां कहा कि ए, ये देखिए एक ये 2 और 1 ये 3, तो ए प्लस ए बार, ओके, और साथ में ए प्लस बी। तो यहां पर विद्यार्थियों ए प्लस ए बार कितना हो गया? जब भी कोई नंबर और उसका बार, नॉट ऑपरेशन, देखिए यानी ये है और इसका बार है, तो ये क्या था? और ऑपरेशन। तो इसका देखिए ये क्या है? नॉट है। जब भी कोई ऐसे जोड़ा जाता है तो इसका मान 1 होता है, अभी देखा है। तो उत्तर आ जाएगा ए प्लस बी यहां से, ठीक है, उत्तर आ जाएगा ए प्लस बी। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं। ये हो सकता था कुछ इस प्रकार होता कि ए प्लस, देखिए अब होता कि ए प्लस नहीं, ए बार ए और बी होता कुछ इस प्रकार, और हम कह रहे हैं कि हल कीजिए, आपको कहा गया है कि हल कीजिए। तो हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे,
ए बार ए, और यहां पर हो गया देखिए ए प्लस बी, तो इसका मान कितना हो गया वन, और ये मान हो गया ए बार प्लस में बी, तो बेटा हम इसे उत्तर कहेंगे। ठीक है जी, अब हमने कहा है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। हमने कहा है ए और ए बार बराबर जीरो, बी हमने कहा है ए प्लस ए बार बराबर जीरो, सी हमने कहा है ए इंटू ए बराबर ए, डी हमने कहा है ए प्लस ए बराबर ए, बताइए जी कौन सा कथन असत्य है। तो आप अपना तुरंत अपना दिमाग लगाएंगे और देखिए सोच विचार करके आप कहेंगे कि देखिए ये तो सर ने सही लिखा है, ए ए दो बार ऐसे आया तो सर ने ये भी ठीक लिखा है, यदि ए प्लस ए होगा तो इसे एक बार ए लिखेंगे, लेकिन ये कहेंगे आप कि देखिए ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ए प्लस ए बार हमने सत्य क्या पढ़ा है, ए प्लस ए बार बराबर तो वन पढ़ा है, ये क्या है सत्य है, ये क्या है सत्य है, राइट, ये हमारा ट्रूथ यानी कि सत्य होता है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने कहा ये हमारे एक बेसिक चीजें हो गई, नेक्स्ट चलते हैं लॉजिक गेट पर, नेक्स्ट चलते हैं लॉजिक गेट पर। तो देखिए जी हम लॉजिक गेट पर चलते हैं, लॉजिक गेट को हमने कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं, लॉजिक गेट को हम लोग देखिए कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं कि कुछ हमारे बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, कुछ हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाते हैं, और कुछ हमारे अर्थमैटिक यानी कि गणितीय लॉजिक गेट कहलाते हैं। तो लॉजिक गेट को हमने तोड़ते हैं, पहले देखिए बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से हैं, बेसिक लॉजिक गेट देखिए क्या क्या बनते हैं। तो हमारे पास में बेसिक लॉजिक गेट आते हैं नॉट गेट हमारा बेसिक है, एंड गेट भी बेसिक है, और गेट भी बेसिक गेट में आता है, ये तीन हमारे पास में बेसिक गेट होते हैं। ओके, फिर हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल, फिर होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में आते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में आते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। ओके, फिर हमें यह देखना है, बेसिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया, है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थमैटिक यानी कि गणितीय अर्थमैटिक गेट। तो अर्थमैटिक गेट भी हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर। तो हमने लॉजिक गेट को भैया अच्छे से समझने के लिए तीन अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर दिया है, तीन अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया। तो देखिए विद्यार्थियों तीन अलग अलग कैटेगरी हमने क्या बनाई है, हमने कहा है कि बेसिक, यूनिवर्सल और अर्थमैटिक। तो यूनिवर्सल का देखिए मतलब समझ लें, यूनिवर्सल का मतलब है इन दो लॉजिक गेट का
यूज करके, इन दो लॉजिकेट का यूज करके किसी भी लॉजिक गेट को बनाया जा सकता है इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, राइट? इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ओके, तो ये हमारी जो बेसिक चीज है ना, उनको कर रहे हैं और बेसिक करते करते ही खत्म हो जा रहा है। चलिए जी, तो यहां से अब एक एक लॉजिक गेट के बारे में जो चीजें हैं वो जान लेते हैं। लॉजिक गेट जो भी है, लॉजिक गेट है, इनके बारे में आप एक एक पॉइंट को उठाएंगे और स्टूडेंट इसको जान लेते हैं। चलिए जी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट गेट से। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट गेट से। तो देखिए जी, अब क्या है कि विद्यार्थियों को यही नहीं पता रहता कि ये जो लॉजिक गेट है ये है क्या बीमारी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉट गेट से। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं नॉट गेट। विद्यार्थियों, लॉजिक गेट कुछ और नहीं है, लॉजिक गेट सिर्फ और सिर्फ एक स्विचिंग अरेंजमेंट है। कहने का मतलब है स्विच की व्यवस्था है। वो स्विच का काम या तो आप डायोड से कराएं, बीजेटी फैट आप किसी से भी कराएं, जो नॉट ये जो गेट होते हैं ना, अब ये भी तो किसी से मिलाकर ही बने होते हैं। ये जो हम लोग ये बना दिया तो सिर्फ इसी का मतलब नहीं है कि भैया गेट है, इसके अंदर बहुत सारे डायोड मॉस्फेट ये सब लगे होते हैं। तो क्या है ये, एक स्विच की तरह है, बस आपको देखकर चलना है। जैसे कि हम बात करेंगे नॉट गेट, तो नॉट गेट का जो सिंबल है ये होता है देखिए कुछ इस प्रकार से। नॉट गेट का जो सिंबल है ये भाई, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, आईटीआई लेवल पर इनके जो सिंबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये है। तो अगर ये यहां पर हम इनपुट ए देते हैं तो आउटपुट है जो वो आपको ए बार मिलता है। कुल मिला के अगर जीरो देंगे तो आपको यहां पर वन प्राप्त होना ही होना है। ओके, तो हम देखते हैं यहां ए और वाई, यानी कि जीरो दिया तो वन, वन दिया तो जीरो, ठीक है जी, दिया तो जीरो। तो देखिए ये कुछ और नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर हम ये कहें कि हमने यहां से इनपुट दिया है, हमने यहां से कुछ इनपुट दिया है और यहां हमने कुछ इनपुट देके लेना है, आपको एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं ये, यहां कुछ आउटपुट लेना है। अगर यहां पर आप एक स्विच लगा दें, यहां पर आप कोई स्विच को लगा दें, ओके, तो जरा सोच के देखिएगा, इस स्विच का मतलब है, जीरो का मतलब स्विच ओपन होना है, जीरो का मतलब स्विच का ओपन होना है और वन का मतलब स्विच का बंद होना है, क्लोज्ड होना है, राइट? तो जीरो का मतलब स्विच के ओपन होना है और वन का मतलब स्विच के क्लोज्ड होने से है। तो हमें देखिए यहां पर देखना है एक स्विच अरेंजमेंट कि क्या ये नॉट गेट का कार्य करता है। तो हमने यहां स्विच पर वन रखा, जरा सोचना आप ये बात ना, सोच के देखना, अगर हम यहां स्विच पर वन रख दें यानी जीरो रख दें तो जीरो का मतलब होगा, अगर हम यहां स्विच पर, स्विच की पोजीशन हमने क्या ले ली, ए ले लिया, तो यदि यहां ए हमने जीरो रख दिया तो देखिए यहां कुछ जाएगा नहीं, यहां से जो करंट जाएगा ये सीधा आउटपुट पर चला जाएगा, यानी कि जो आउटपुट है वो आपको मिला है। लेकिन अगर इस स्विच का मतलब आप वन रख दें तो वन का मतलब ये बंद हो जाएगा, जब ये बंद हो जाएगा तो शॉर्ट पाथ ये पहले ही मिल गया, तो करंट तो यहीं घूमता रहेगा, आउटपुट पे कुछ जाएगा नहीं, तो ये आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक स्विच की व्यवस्था है।
ओके, तो नॉट गेट में यदि आप जीरो देते हो तो वन मिलता है, वन देते हो तो जीरो मिलता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए जी, दूसरा चलते हैं एंड गेट। दूसरा चलते हैं एंड गेट। तो देखिए जी, एंड गेट में आप क्या कर रहे हैं, एंड गेट का जो सिंबल है ये बनाइए, एंड गेट का जो सिंबल है ये बनाइए। ये हमने कहा ए है, ये बी है, और ये यहां पर देखिए वाई है। आजकल ये ऐसा कुछ दिखाकर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा डायग्राम या कौन सा स्विच प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, चलिए देखिए, हमने कहा यहां पर ए बी और वाई। तो यहां हमने लिया जीरो जीरो, दो वेरिएबल के लिए जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। तो इनके हिसाब से हमें इसका आउटपुट चेक करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, हमने कहा है कि दो स्विच ए और बी, दो स्विच हमने देखे कुछ इस तरह से लगाने हैं, दो स्विच हमें कुछ इस प्रकार से लगाने हैं। तो अभी यहां पर हमने देखे एक लोड दिखा रखा है जिसके क्रॉस में हम आउटपुट चाहते हैं, जिसके क्रॉस में हम आउटपुट चाहते हैं विद्यार्थियों, ये ए है, ये हमारा बी है। यहां पर ये हमने देखे इनपुट दिखा रखा है, राइट, यहां इनपुट दिखा रखा है। अगर हम एंड का मतलब अपने हिंदी भाषा से लेकर चले तो इसका मतलब होता है देखिए और, हिंदी में इसका मतलब होता है और। तो इसका मतलब आप भाषा लिखेंगे कि इसमें आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब ए और ये वाला दोनों हाई होंगे, दोनों हाई होंगे। जब ए और बी दोनों ही हाई होंगे तभी ये आउटपुट देगा। मैंने क्या इस्तेमाल किया देखे, और का मतलब दोनों। तो ये तो दोनों लो है जीरो जीरो, तो जीरो, यहां भी एक लो है तो जीरो, यहां भी एक लो है तो जीरो, यहां वन वन है तो दोनों हाई है, हमें क्या मिलेगा वन। तो अब इस व्यवस्था को यहां से मैच करवाते हैं। तो देखिए वाई बराबर वन हमें यहां मिलता है तो यही आउटपुट है, तो यहां भी वन है, यहां भी वन है, तो वाई बराबर होता है ए बी। वाई बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, ए बी, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या हमने ये सही किया है। चलिए देखिए, आपने कहा जीरो और जीरो, तो ये भी ओपन, ये भी ओपन, जो भी करंट आपने भेजा ये आउटपुट पे नहीं जाएगा। तो हमने कहा आउटपुट तो जीरो आता है, जो हमने देखी ये देख लिया। फिर हमने कहा कि ए जीरो ये वन, तो जीरो का मतलब ओपन, तो करंट जब ओपन हो गया तो आगे जाएगा नहीं, फिर भी जीरो। हमने यहां पर इस केस में लिया है बी को जीरो, तो करंट कुछ आगे नहीं जाएगा, फिर जीरो। वन और वन का मतलब है यहां भी वन या भी वन, ये क्लोज हो गया तो जो भी इनपुट भेजा ये आउटपुट पे जाएगा। तो एंड गेट के लिए एक स्विच की जो व्यवस्था है ये हम लोग करते हैं कुछ इस प्रकार से, ये स्विच की जो व्यवस्था है ये हम लोग करते हैं इस प्रकार से। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहे होंगे, उम्मीद ही कर सकता हूं भाई, आपके दिमाग में तो बैठ नहीं सकता, कोशिश कर सकता हूं आपको। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक उठाता हूं एकदम बच्चों की तरह लेकर चलता हूं, अपनी जो स्पीड है उसको भी बहुत कम करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं और देखते हैं नंबर तीन, और गेट। नेक्स्ट चलते हैं और गेट। तो और का मतलब हिंदी में होता है या। तो यहां इसमें हम लिखेंगे
इसमें आउटपुट तब प्राप्त होगा जब ए और बी, जब ए या बी, देखिए ये क्या है, या बी दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी एक हाई हो जाए, दोनों में से कोई भी एक हाई हो जाए, तो ये मतलब होता है और के। हमने क्या लिखा, और का मतलब है हिंदी में या। तो चलिए जी सिंबल देखते हैं, सिंबल बनेगा कुछ ये, ये ए, ये बी, ये वाई। तो ए बी और वाई 0001101। तो या मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर हाई हो जाए तो काम चल जाएगा, अगर दोनों हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर एक भी हो जाए तो काम चलेगा। 0-0 तो दोनों ही लो है, यहां एक हाई है, यहां भी एक हाई और यहां भी एक हाई है। तो इसके लिए जो बनता है ये बनता है ए प्लस बी, ये बनता है ए प्लस बी। फिर देखिए विद्यार्थियों, अगर हम स्विच को जाने तो हमने देखिए ये स्विच जो लगाए हैं, ये जो स्विच है इस बार हमने ये पैरेलल में लगा दी, ये ए है, ये बी है, ये कुछ लोड दिखाया हमने, राइट, ये देखेंगे यहां इनपुट, ओके। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर ए ए मतलब ए बी दोनों अगर जीरो है तो आउटपुट यहां से जो करंट जाएगा, जब ये दोनों ओपन हो गए तो यहां कुछ मिलेगा नहीं जीरो, लेकिन जब भी अगर यहां से चले तो ये ओपन हो गया ठीक है, लेकिन ये बंद है, यहां से रास्ता मिल गया तो तब आउटपुट हाई हो गया, फिर ए बंद है तो यहां से मिल गया, और अगर दोनों ही बंद है तो दोनों जगह से रास्ता मिल गया, तो ये हो जाता है हमारा और गेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आता होगा इन सब चीजों में, अपना पढ़ते रहिए अच्छे से, इस चक्कर में मत पड़िए कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, ये मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी आएंगी, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी तो देखकर चल रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि अकेला यूपीपीसीएल यूपीआरवीएनएल, सब जगह आपको सोच विचार करके और देख के चलना है। यहां तक आप लोगों को ये बता दूं कि उन्होंने जो मीटिंग है उसमें कहा है 2020 वाले ईयर के लिए, जबकि 2019 की भी वैकेंसी अभी पेंडिंग है, तो अभी तो 2019 वाली आनी है, तो इसीलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो जाइए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, और जो मेहनत करता है ऊपर उसकी मेहनत को नहीं रखता है आप लोगों को मिलेगा। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।